Hello everyone, welcome back to the course on data structures and algorithms in C++. I am Sanket Singh aur aaj ke is lecture mein hum log ek naye data structure ke upar baat karne wale hain, that is queues. To last kuch lectures mein aap logon ne already bahut sare data structures ke sath introduction le liya hai. Hum logon ne arrays pad liye hain, 2d arrays pad liye hain, kafi sari problems solve kari hai humne arrays aur 2d arrays pe. Humne linked list ke upar baat kari hai, right? स्टैक्स के ऊपर बात करी है, लिंक लिस्ट का यूज करके स्टैक कैसे बनाते हैं, एरेज का यूज करके स्टैक कैसे बनाते हैं, और फिर स्टैक के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व करी हैं, राइट? अब इस लेक्चर में हम लोग एक नई डेटा स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस करेंगे, देखेंगे कि उसका क्या यूज केस है, क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे आप ये डेटा स्ट्रक्चर खुद इम्प्लीमेंट कर सकते हो. इसकी अगर कोई इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास C++ STL में अगर एग्जिस्ट करती है तो उसे कैसे यूज करना है, एंड सो ऑन. ये सारी चीजों के ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं, काफी ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है? तो अभी तक हम लोगों ने लास्ट कुछ क्लासेस में स्टैक की ऑपरेशंस देखी थी, स्टैक के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स देखी थी. आपको याद हो तो वो इनफिक्स, पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स टाइप की ये सारी हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कोशिश किया था, और अच्छा खासा एक फंडामेंटल, एक अच्छा फाउंडेशनल बेस हम लोगों ने स्टैक्स के ऊपर प्रिपेयर कर लिया, राइट? इस लेक्चर में हम लोग काफी सारी चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं, राइट? हम लोग बात करेंगे कि भाई क्यूज होता क्या है, हम लोग कितने तरह की क्यूज होती है इसके ऊपर बात करने वाले हैं, कौन कौन सी ऑपरेशंस आप क्यूज में सपोर्ट करोगे, क्यूज को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, हम लोग दोबारा एरे और लिंक लिस्ट का यूज करके क्यूज को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, एडवांटेजेस की बात करेंगे और डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे दोनों के दोनों इम्प्लीमेंटेशन की, C++ STL में क्यूज का क्या यूज केस है इसके ऊपर बात करेंगे, सर्कुलर क्यू के ऊपर बात करेंगे, और डेक और C++ STL की डेक के ऊपर बात करें, राइट? काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं, काफी सारी चीजें हैं सीखने के लिए, काफी मजा आने वाला है, राइट? सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्यूज होता क्या है. देखो, आपने स्टैक पढ़ा था, स्टैक कैसा डेटा स्ट्रक्चर था, लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना? स्टैक जब हम लोग पढ़ रहे थे तो कुछ ऐसा दिखता था स्टैक कि जो एलिमेंट लास्ट आया वही एलिमेंट पहले पॉप आउट होता था. स्टैक था हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना? अब स्टैक की बात तो हो गई है. स्टैक में अगर कोई भी आपका एलिमेंट था वो स्टैक के टॉप पे ऐड होता था, राइट? और अगर रिमूव भी होना है तो टॉप से रिमूव होता था. ये सारी बातें तो चलो हम लोग जानते हैं. अब क्यूज किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है? तो देखो, क्यूज एक अलग ही तरीके का प्रिंसिपल फॉलो करता है. अब इससे पहले कि मैं आपको क्यूज का प्रिंसिपल बताऊं, पहले क्यूज का मतलब समझते हैं कि क्यूज का मतलब क्या है. अब याद होगा जब आपको डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो बैंक के एटीएम के आगे बहुत लंबी लाइन लगी रहती थी, तो न्यूज चैनल पे क्या दिखाता था, लॉन्ग क्यू इन फ्रंट ऑफ बैंक एटीएम्स विदाउट कैश. फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी एयरपोर्ट पे अगर मान लो कोई एयरलाइन डिले होती है या फिर किसी एयरलाइन की बहुत रीशेड्यूलिंग होती है या वेदर वगैरह ठीक नहीं होता तो आप देखोगे लोग कहते हैं एयरपोर्ट के बाहर क्यू लगी हुई है, राइट? काफी ज्यादा रश हो जाता है ना? उसके बाद आप कभी बैंक जाते हो, बैंक में बहुत भीड़ है तो लोग कहते हैं ना प्लीज स्टैंड इन अ क्यू. तो ये क्यू वर्ड ना आपने कई जगह सुना होगा. क्यू का मतलब क्या आता है? जैसे कोई काउंटर है, आपको मूवी की टिकट खरीदनी है. अब मूवी की टिकट ऐसा थोड़ी है कि कोई भी जाके बीच में से ले आएगा, जो लाइन में सबसे पहले लगा होगा टिकट उसको मिलेगी, है ना? जो लाइन में सबसे पहले लगा होगा टिकट उसी को तो मिलती है. फिर जब उसको टिकट मिल गई तो उसके बाद वाले बंदे की बारी है जो सेकंड नंबर पे लगा होगा, राइट? जो उसके जस्ट बाद आया होगा उसको फिर दूसरी टिकट मिलेगी, फिर सेकंड वाले के जस्ट बाद जो आया होगा उसको तीसरी टिकट मिलेगी, एंड सो ऑन. इस ये जो लाइन वाला स्ट्रक्चर है ना जिसमें जो पहले आया उसको पहले प्रोसेस किया जाता है या उसकी रिक्वेस्ट पहले ली जाती है, इसी मैकेनिज्म को हम कहते हैं क्यूज, ठीक है? तो क्यूज एक्चुअली फॉलो करते हैं पीफो स्ट्रक्चर, या फिर तुम इसको कह सकते हो FCFS. FIFO या FCFS क्या स्टैंड करता है? FIFO का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. FIFO का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और FCFS का मतलब है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. अब क्या समझ में आ रहा है तुम्हें सुनने से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व? इसका मतलब यही तो है कि जो पहले आया उसको पहले प्रोसेस किया जाएगा. तो मान लो यहाँ पे एक
एटीएम है ना, एक बैंक का एटीएम है, यहाँ पे कुछ तो तुम्हारी एटीएम मशीन लगी हुई है, राइट? यहाँ पे कुछ तो तुम्हारी एटीएम मशीन लगी हुई है। अब इस एटीएम के बाहर लाइन लगी होगी, है ना? मान लो एटीएम के बाहर ऐसे लाइन लगी हुई है। तो अब ये जो बंदा है ये सबसे पहले आया, दिस पर्सन केम फर्स्ट, ये सबसे पहले आया। अब क्योंकि ये बंदा सबसे पहले आया तो एटीएम में सबसे पहले जाने का मौका भी इसी को मिलेगा। एटीएम में ये बंदा सबसे पहले जाएगा, अपने लिए कैश निकालेगा और आगे बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद अगला बंदा कौन है? ये है, ये उसके बाद एटीएम में जाएगा, अपने लिए कैश निकालेगा और आगे बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद लाइन में ये बंदा लगा हुआ है, ये आगे एटीएम में जाएगा, कैश निकालेगा और आगे बढ़ जाएगा, एंड सो ऑन, है ना? इसी तरीके से तो क्यूज चलती है। जो पहले आया टाइम इंस्टेंस के हिसाब से देखा जाता है, जो पहले एंटर हुआ है पहले वो प्रोसेस हो, राइट? आप लोग क्लब्स जाते होगे या फिर आप लोग रेस्टोरेंट जाते होगे, वहां पे भी लाइन होती है कि सर आपकी ना 15 मिनट की वेटिंग है। 15 मिनट की वेटिंग क्यों है? क्योंकि जो लोग पहले खाने आए हैं पहले वो खा के निकलेंगे, उसके बाद आपको टेबल अलॉट होगी। हर जगह आप देखोगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व चलता है। और इनफैक्ट कंप्यूटर साइंस में भी ये जो क्यूज डेटा स्ट्रक्चर है ना, जो फीफो या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की फंक्शनलिटी देते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इनका यूज करके बहुत सारी एप्लीकेशंस और एल्गोरिदम्स डेवलप किए जाते हैं। अगर तुम आगे चल के बैक एंड डेवलपमेंट पढ़ोगे तो तुम देखोगे एक चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस क्यूज, राइट? या मैसेज क्यूज, वो बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट का काम करता है, राइट? बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड एल्गोरिदम्स होते हैं जो क्यूज से ही सॉल्व हो पाते हैं। बहुत सारे ग्राफ एल्गोरिदम्स होते हैं जैसे कि BFS, जो कि क्यूज से सॉल्व हो पाते हैं। तो बहुत सारी एक्चुअल एप्लीकेशन एग्जिस्ट करती है क्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है? तो अब हमें ये समझ में आ रहा है कि अब मैं बात करूं क्यूज के ऊपर, अगर कुछ पॉइंटर्स लिखना चाहूं, क्यू इज अ डेटा स्ट्रक्चर, ये एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर होता है दैट सपोर्ट्स लीफो, सॉरी नॉट लीफो, माय बैड फीफो और FCFS। फीफो क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और FCFS क्या है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा हम लोग क्या कह सकते हैं? क्यू इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। क्यू ना एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, जैसे अभी तक आपने बहुत सारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पढ़े हैं, जैसे स्टैक्स पढ़ा है, वो भी लीनियर है ना, एक लीनियर फॉर्म में डेटा को स्टोर करके रखता है, एरेज है, लिंक लिस्ट है। तो क्यू भी एक तरह का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो मान लो जैसे तुम्हारी क्यू है, ठीक है, ये मान लेते हैं हम हमारी क्यू है। अब क्यू में मान लो मुझे एलिमेंट्स ऐड करने हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, ठीक है? तो क्यू में ये एलिमेंट पहला ऐड किया, राइट? फिर उसके बाद ये वाला एलिमेंट ऐड किया, राइट? तो तुम देख सकते हो क्यू में आप हमेशा एलिमेंट्स को एक एंड से ऐड कर रहे हो और वो जाके यहाँ पे सेट हो जा रहे। तो सबसे पहले 1 आया था तो 1 ऐड हो गया, फिर 2 आया 2 ऐड हो गया, फिर 3 आया तो 3 ऐड हो गया, 4 आया तो 4 ऐड। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से एक्चुअली हम लोग क्यू में डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग ने ये देख लिया कि क्यू की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज क्या एग्जिस्ट करती है। अब मैं सबसे पहले ना क्यू के ऑपरेशंस के ऊपर बात करने वाला हूँ, क्योंकि इन ऑपरेशंस का काफी सेंस बनने वाला है। इन ऑपरेशंस के बारे में ही हम लोग हमेशा बात करेंगे, जब भी क्यू में कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है या कोई एलिमेंट रिमूव करना है तो इन ऑपरेशंस को ही हम लोग एक्चुअली रेफर करेंगे, राइट? तो देखो, क्यू जब आप लोग बना रहे होगे तो कुछ बहुत ही बेसिक ऑपरेशंस आप रखोगे। अब क्यू बना रहे हैं तो क्यू में डेटा इंसर्ट हो पाएगा। जब आप डेटा को इंसर्ट करना चाहते हो या कोई एलिमेंट को ऐड करना चाहते हो, उस ऑपरेशन को हम लोग कहते हैं एनक्यू। उस ऑपरेशन को हम लोग कहते हैं एनक्यू। दिस ऑपरेशन विल हेल्प अस टू ऐड अ न्यू एलिमेंट इन द क्यू। यह हमें क्यू में एक नया एलिमेंट ऐड करने में हेल्प करेगा, राइट? उसके बाद हम लोग कहेंगे डी क्यू, राइट? एक फंक्शन होगा हमारे पास डी क्यू। डी क्यू क्या करेगा? अब जैसे ऐड करने के लिए एनक्यू कर रहे हैं, अगर मान लो एलिमेंट को रिमूव करना है
किस एलिमेंट को रिमूव करेंगे, जो सबसे पहले आया था उसी को रिमूव करोगे, क्योंकि उसी को सबसे पहले प्रोसेस करना है। तो जो एलिमेंट सबसे पहले आया था अगर आपको उसे रिमूव करना है तो आप लोग क्या करोगे, डी क्यू करोगे। दिस ऑपरेशन विल हेल्प अस टू रिमूव अ न्यू एलिमेंट इन द क्यू, राइट। ये हमें क्यू में एक नया एलिमेंट रिमूव करने में हेल्प करेगा। उसके बाद आप एक्चुअली एक और फंक्शन लिख सकते हो, इज फुल, ठीक है। ये तो नाम से पता लग रहा है कि अगर आपकी क्यू फुल हो गई है, मान लो क्यू की एक लिमिटेड कैपेसिटी थी, तो अगर क्यू फुल हो गई है तो हम लोग एक्चुअली जब भी डेटा को इंसर्ट करेंगे तो वो डेटा इंसर्ट नहीं हो पाएगा, और हम लोग क्या कहेंगे, इसको एक ओवरफ्लो की कंडीशन मानेंगे कि यार अब क्यू भर चुकी है, इससे ऊपर एलिमेंट तो आप नहीं डाल सकते हो। इसके अलावा इज एम्प्टी का मतलब क्या, क्यू खाली है, खाली, और उसमें से कुछ रिमूव करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो अंडरफ्लो जैसी कंडीशन हो जाएगी। याद आ रहा है अंडरफ्लो और ओवरफ्लो पढ़ा था हमने स्टैक्स में, सेम टू सेम है ना। उसके बाद एक और हम लोग फंक्शन लिखेंगे, फ्रंट। अब ये फ्रंट फंक्शन इंपॉर्टेंट है। ये फ्रंट फंक्शन क्या करेगा, गिव्स अस द एलिमेंट विच केम फर्स्ट। कौन सा एलिमेंट था जो सबसे पहले आया था आपके फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले मैकेनिज्म में, ऐसा कौन सा एलिमेंट था जो सबसे पहले आया था, वो एलिमेंट एक्चुअली ये फ्रंट फंक्शन दे देता है बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो देखो ये कुछ टाइप के ऑपरेशंस अपन लोग लिख रहे होंगे। एक साइज का लिख सकते हो तुम, एक फंक्शन कि यार क्यू का साइज बता दे वो, ठीक है। एक और लिख लो, जैसे क्यू का हमें साइज पता करना है तो साइज का फंक्शन टाइप लिख सकते हो, है ना। तो ये कुछ कुछ बेसिक ऑपरेशन हम लोग रखेंगे। दिमाग में रखने की क्या बात है, जब आप स्टैक में कोई चीज इंसर्ट करते थे वहां पे हम उसे पुश फंक्शन कहते थे, यहाँ पे हमें एन क्यू कहेंगे, राइट। ऑल दो जब हम लोग इंटरनल सी प्लस प्लस की क्यूज देखेंगे तो उसमें तुम्हें पता लगेगा कि वो फंक्शंस उसको अभी भी पुश कहते हैं, बट उसके बारे में आगे बात करेंगे। बट नॉर्मल जब तुम कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे, कोई भी स्टैंडर्ड लेक्चर देखोगे, किसी से नॉर्मल क्यू के टर्मिनोलॉजी में बात करोगे, तो एन क्यू करने का मतलब होता है डेटा को ऐड करना, डी क्यू करने का मतलब होता है डेटा को रिमूव करना, इज फुल इज एम्प्टी तो सिंपल है, फ्रंट का मतलब जो एलिमेंट अभी सबसे पहले आया था, जो भी आपके पास क्यू में डेटा है उसमें से जौन सा एलिमेंट सबसे पहले आया था वो आपका फ्रंट है, उसको हम लोग फ्रंट के ऊपर बात करेंगे, है ना, उसको फ्रंट से ले आएंगे। तो यार जब भी आप क्यू बनाते हो ना, देखो जैसे यहां पे मैंने क्यू बनाई, क्यू का वो एंड जहां पे जो एलिमेंट सबसे पहले आया था वो ये रिसाइड करता है, उसी एंड को हम लोग फ्रंट भी कहते हैं, ठीक है। ये फ्रंट क्या करता है, ट्रैक्स द फर्स्ट एलिमेंट, जो भी आपका एलिमेंट सबसे पहले आया था उसको फ्रंट पे रखते हैं, और एक एंड को हम लोग बैक कहते हैं, इस एंड को हम लोग बैक कहते हैं, एलिमेंट्स गेट्स एडेड फ्रॉम दिस एंड। इस एंड से हम लोग एलिमेंट्स को एक्चुअली एड कर पाते हैं, ठीक है। चलो तो देखो अब ये आपके पास वन है, आपको वन ऐड करना है, तो आप वन को बैक से ऐड करोगे और वो फ्रंट पे चला जाएगा। क्यों फ्रंट पे चला जाएगा, क्योंकि ये अभी सबसे पहला एडेड एलिमेंट है। तो ना मैं ऐसे 1 2 3 4 नहीं लिखता हूं, मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे कुछ ऑपरेशंस के फॉर्म में लिख देता हूं। जैसे मैंने लिखा एन क्यू वन, एन क्यू टू, एन क्यू थ्री, एन क्यू फोर, फिर लिख देते हैं डी क्यू, राइट। ऐसे तो अब देखते हैं, सबसे पहले तुमने लिखा एन क्यू वन, तो क्या होगा, एक एलिमेंट बनेगा वन और वो एलिमेंट बैक से होता हुआ फ्रंट पे ऐड हो जाएगा। फिर आपने लिखा एन क्यू टू, तो एक एलिमेंट बनेगा टू और वो एलिमेंट बैक से होता हुआ फ्रंट तक आएगा, लेकिन ये क्योंकि पहला एलिमेंट नहीं है तो ये फ्रंट पे नहीं रह सकता, फ्रंट पे वन ही रहेगा। क्यों, क्योंकि वन सबसे पहले आया था तो वन ही रहेगा फ्रंट पे। फिर एन क्यू थ्री, तो फिर थ्री को ऐड कर देंगे, तो देख रहे हो ये एक के पीछे एक लाइन लगा के खड़े हैं, सबसे आगे वन खड़ा है क्योंकि वन सबसे पहले आया था, उसके जस्ट पीछे टू खड़ा है क्योंकि टू उसके बाद आया था, उसके जस्ट पीछे थ्री खड़ा है क्योंकि थ्री उसके बाद आया था, है ना।
तो एन क्यू फोर। अब मान लो तुमने किसी ने कहा डी क्यू, डी क्यू का मतलब एलिमेंट रिमूव करना है, कौन सा एलिमेंट रिमूव होना चाहिए, जो सबसे पहले आया था, और कौन सा एलिमेंट सबसे पहले आया था, ये एलिमेंट जो फ्रंट पे पड़ा है वही सबसे पहले आया था, उड़ा दो, उड़ा दो इस एलिमेंट को। जैसे इस एलिमेंट को उड़ाया ये सारे एलिमेंट आगे आ गए, और अब तुम देख सकते हो अब तुम्हारे पास फ्रंट पे क्या पड़ा है, टू है, क्योंकि जब वन को प्रोसेस कर दिया तो वन के बाद लाइन में सबसे आगे कौन लगा हुआ है, टू लगा हुआ है, तो टू प्रोसेस होगा। फिर मान लो मैंने एक और डी क्यू कर दिया, एक और डीक्यू करा, तो अब सबसे पहला कौन है, टू थ्री फोर में से सबसे पहला कौन आया था, जब भी मैं कह रहा हूं ना ये सबसे पहला कौन है, तो जो एलिमेंट अभी क्यू में बचे हैं ना उनमें से सबसे पहला कौन है, तो टू है सबसे पहला, उड़ा दो, टू हटा देंगे, और अब थ्री फ्रंट पे आ गए और थ्री के जस्ट पीछे फोर एक्चुअली वेट कर रहा है। तो यही एसेंस होता है एक्चुअली क्यूज का, यार जो एलिमेंट सबसे पहले आया है, जब आपको कुछ भी रीड करना होगा ना तो आप रीड भी सबसे पहले उसी एलिमेंट को करोगे। तो मान लो आपने क्यू डॉट फ्रंट करा तो आपको थ्री मिल जाएगा, आपको रिमूव करना है तो एलिमेंट फ्रंट से ही रिमूव होगा। और अगेन स्टैक वाले सिचुएशन है, यहाँ पे आपके पास इंटरनल एलिमेंट्स का एक्सेस नहीं होगा, आप किसी भी टाइम पे सिर्फ फ्रंट को एक्सेस कर सकते हो, आप एरे की तरह किसी भी इंडेक्स पे जाके कोई भी एलिमेंट उठाकर नहीं ला पाओगे, ये बात आपको हमेशा ध्यान में लेकर चलनी है, राइट। तो आई बिलीव कि एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्यूज के रिगार्डिंग क्लियर है कि किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, ये बहुत ही सिंपल होता है इंप्लीमेंट करने में, अभी हम लोग इसकी इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स के ऊपर बात करेंगे, बट आई बिलीव एक बेसिक कोर फाउंडेशन आप लोगों का रेडी हो गया है, यार क्यूज होती क्या है, और अब हम लोगों को बस सोचना है कि क्यूज बनाएंगे कैसे, क्योंकि स्टैक बनाने में तो उतना एफर्ट नहीं लगा था, देखते हैं कि क्यू हम लोग कैसे बनाएंगे और क्या क्या चीजें हमें इंप्लीमेंटेशन डिटेल वाइज क्यू में ध्यान रखने की जरूरत है। तो चलो यार अब हम लोग ना टाइप्स ऑफ क्यूज के ऊपर बात करने वाले हैं कि क्यूज होती कितने तरह की, बहुत सारी तरह की क्यूज हो सकती है। सबसे पहली क्यू जो हमारे पास एग्जिस्ट करती है वो होती है सिंपल क्यू, राइट। अब सिंपल क्यू क्या होती है, इसको मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं। हमारे पास सबसे पहली होती है सिंपल क्यू। अब सिंपल क्यू क्या होती है, ये जिस क्यू की अभी हम लोग बात कर रहे थे, यार हमारे पास एक नॉर्मल सी क्यू होगी है ना, और उसका एक एंड हम लोग कहेंगे बैक, एक एंड कहेंगे हम लोग फ्रंट, ठीक है, और इसमें नॉर्मल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जैसा स्ट्रक्चर चलेगा, राइट। इस बैक को कभी कभी ना लोग रियर भी कहते हैं, तो जस्ट फॉर नॉलेज मैं बता रहा हूँ कि इसको रियर भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब कोई एलिमेंट ऐड होना है तो वो बैक से ऐड होगा और फ्रंट पे चला जाएगा, फिर अगला एलिमेंट आना है तो वो भी बैक से ऐड होगा और फ्रंट के पीछे चला जाएगा, एंड सो ऑन। तो अभी तक जिस क्यू के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे वही हमारी नॉर्मल सिंपल क्यू होती है, कि यार एलिमेंट बैक से ऐड होता है फ्रंट पे सेट हो जाता है। अब इस क्यू में अगर हम लोग बात करें तो फ्रंट पे कौन होता है, या मैं कहूं फ्रंट का मतलब क्या है, कौन सा एलिमेंट सबसे पहले एक्सेस होगा, जो सबसे पहले आया था वही सबसे पहले एक्सेस होगा। तो टेक्निकली तुम ना टाइम इंस्टेंस के हिसाब से चीजें देख रहे हो कि कौन सबसे पहले आया था लाइन में, वही हमारे क्यू के फ्रंट पे। पर कभी कभी क्या होता है, आप ना टाइम के बेसिस पे नहीं, किसी और प्रायोरिटी के बेसिस पे अपना फ्रंट कैलकुलेट कर सकते हो, उस केस को हम लोग कहते हैं प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू का मतलब ऐसा नहीं है कि जो सबसे पहले आया वही सबसे पहले प्रोसेस होगा, नहीं, मान लो ऐसा हो सकता है जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो सबसे पहले प्रोसेस होगा, या जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो सबसे प्रोसेस होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारे पास एक प्रोडक्ट की क्यू है, तुम उस प्रोडक्ट को सबसे पहले रखना चाहते हो या सबसे पहले प्रोसेस करना चाहते हो जो सबसे महंगा है, तो प्राइस के बेसिस पे जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला प्रोडक्ट है, मतलब तुम्हारा सबसे महंगा प्रोडक्ट है, तुम्हारा बेस्ट सेलर है, तुम्हारा फ्लैगशिप है, उसको तुम पहले प्रोसेस करना चाहते हो। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग का जो क्राइटेरिया है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं है, वो कुछ कस्टम प्रायोरिटी हो सकती है, कुछ भी कस्टम प्रॉपर्टी तुम्हारे ऑब्जेक्ट की, उस केस में हम लोग कहते हैं प्रायोरिटी क्यू। फिर हमारे पास एक और केस आता है, इस प्रायोरिटी क्यू को आगे हम लोग काफी इन डेप्थ डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, जिसे हम कहते हैं सर्कुलर क्यू, राइट। अब सर्कुलर क्यू क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा डेटा स्ट्रक्चर है। सर्कुलर क्यू ना एक सिंपल मैकेनिज्म पे बेस्ड है, वो सिंपल मैकेनिज्म क्या है, चलो बात करते हैं उस पर, ठीक है। वो एक सिंपल मैकेनिज्म पे बेस्ड है, क्या मैकेनिज्म पे बेस्ड है, ये जो सर्कुलर क्यू होती है ना, ये एलिमेंट हमारा फ्रंट है, ये एलिमेंट मान लो हमारा बैक, या मैं कहूँ रियर है। तो ऐसा नहीं है रियर के पीछे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, रियर और फ्रंट ना टेक्निकली कनेक्टेड है, तो ये एक सर्कल टाइप का फॉर्म करते हैं,
तो अगर मैं एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन तो मैं दिखाने की कोशिश करूँ ना, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे। अब मान लो ये तुम्हारा फ्रंट है, तो यही तुम्हारा रियर होगा, ठीक है। फ्रंट और रियर ऐसे एग्जिस्ट कर रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अच्छा, अब कोई और एक और एलिमेंट मान लो तुमने डाल दिया, मान लो 8, तो रियर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो रियर के बाद हमेशा फ्रंट एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो एक ना सर्कुलर टेबल, सर्कुलर क्यू टाइप की एक्चुअली बन जाएगी, इसे हम कहते हैं सर्कुलर क्यू। एक और लास्ट तरह की क्यू होती है, जिसे हम लोग आसान भाषा में कहते हैं डबल एंडेड क्यू या फिर डेक, डबल एंडेड क्यू, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में डेक भी कहा जाता है, DEQ। अब देखो, अब डेक और नॉर्मल क्यू में क्या फर्क है। जो तुम्हारी सिंपल क्यू होती है, सिंपल क्यू में तुम बैक से इंसर्ट करते हो और फ्रंट से रिमूव करते हो, है ना। जब भी तुम्हें कुछ इंसर्ट करना है वो एलिमेंट बैक से आता है, कुछ भी एलिमेंट रिमूव करना है वो फ्रंट से जाता है। डबल एंडेड क्यू में पता है क्या होता है कहानी में, एडिशन क्या होता है, या डबल एंडेड क्यू में ना बैक से ही रिमूवल भी किया जा सकता है और फ्रंट से एडिशन भी किया जा सकता है। नॉर्मल सिंपल क्यू में क्या है, बैक से एडिशन, फ्रंट से रिमूवल। डेक क्या कहता है कि अच्छा, आपको बैक से रिमूवल और बैक से इंसर्शन और फ्रंट से रिमूवल करना है वो कर लो, साथ ही साथ मैं आपको ये भी कैपेसिटी दे रहा हूं कि आप बैक से रिमूवल कर पाओ, सिर्फ इंसर्शन नहीं, आप बैक से रिमूवल भी कर पाओ और फ्रंट से इंसर्शन भी कर पाओ। मतलब दोनों एंड से इंसर्ट भी किया जा सकता है डेटा, दोनों एंड से डिलीट भी किया जा सकता है डेटा, इसे हम लोग कहते हैं डबल एंडेड क्यू। और काफी काम आती है, काफी काम की डेटा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है ये। तो आई बिलीव कि बेसिक क्यूज के जो टाइप्स हैं वो सबको क्लियर है। तुम्हारी नॉर्मल सिंपल क्यू है जिसमें बैक से डेटा आएगा, फ्रंट पे सेट हो जाएगा। प्रायोरिटी क्यू है कि अब यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला मैकेनिज्म नहीं चलेगा, कुछ कस्टम प्रायोरिटी एग्जिस्ट करती है। सर्कुलर क्यू है कि सर्कुलर फॉर्म में होगा, रेयर के बाद फ्रंट एग्जिस्ट करेगा। और तुम्हारे पास एक डबल एंडेड क्यू एग्जिस्ट करती है जिसमें एडिशन और रिमूवल दोनों एंड से किया जा सकता है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो, अब हम लोगों ने देख लिया कि यार बेसिक क्यू की ऑपरेशंस क्या होती हैं और बेसिक क्यू के टाइप क्या होते हैं। अब बात करते हैं कि यार क्यू को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो कैसे कर सकते हैं, यही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। तो चलो देखते हैं। अब मैं क्या कहूंगा कि यार क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए ना दो तरीके तुम्हारे पास एग्जिस्ट करते हैं। एक तरीका एरे से है कि आप एरेस का यूज करके क्यू बना सकते हो। एक तरीका है लिंक लिस्ट का कि आप लिंक लिस्ट का यूज करके क्यू बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले ना मैं हमेशा लिंक लिस्ट वाले के ऊपर बात करता हूँ, फिर हम लोग एरे के ऊपर बात करेंगे, समझ में आ जाए। अब तुम्हें अगर लास्ट लेक्चर से याद हो तो हम लोगों ने बात करी थी स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट के बारे में, इसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी। कैसे बना रहे थे हम लोग स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट? अगर आपको मान लो 1 डालना है, 2 डालना है, 3 डालना है, तो 3 है तुम्हारा टॉप, है ना। तो लिंक लिस्ट कैसी एग्जिस्ट करती थी, आप एक सिंगली लिंक लिस्ट बनाते थे, राइट। और यहां पे 3 2 1 और ये तुम्हारा हेड एग्जिस्ट करता था, राइट। जो तुम्हारा टॉप एलिमेंट था वो हेड से पॉइंट होता था, यही तुम्हारा टॉप एलिमेंट था और टॉप एलिमेंट को हेड से पॉइंट किया जाता था। तुम्हें कोई एलिमेंट मान लो ऐड करना है, मान लो 4 ऐड करना है, 4 कहाँ पे ऐड होगा, हमेशा स्टैक की टॉप पे ऐड होगा। तो 4 को ऐड करने के लिए एक्चुअली क्या करते थे, एक नई नोड बनाते थे, उस नई नोड का नेक्स्ट पुराने हेड पे पॉइंट कराते थे और अपना हेड पॉइंटर अपडेट कर देते थे, तो ऑटोमेटिकली टॉप भी अपडेट हो जाता था, ठीक है ना। तो हम लोग ऐड एट हेड कर पाते थे फॉर स्टैक्स। अगर हमें पुश फंक्शन इंप्लीमेंट करना है तो लिंक लिस्ट में हम लोग एड एट हेड कर पाते थे, ठीक है। और मान लो रिमूवल करना है, रिमूव करने के लिए अभी टॉप पे क्या पड़ा है, 4 पड़ा है, तो 4 ही तो रिमूव होगा। तो रिमूवल करने के लिए क्या करते थे, आप इसको एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करते थे टी। अगर मान लो ये 4 रिमूव हो गया तो नया हेड कौन बनेगा, 3, तो देखो नया टॉप कौन बनेगा, 3। तो आप हेड को नए टॉप पे डाल देते थे, हेड इज इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट, और फिर ये कनेक्शन हम लोग ब्रेक कर देते थे और एट लास्ट ये रिमूव हो जाता था, राइट। तो अब क्योंकि हेड 3 पे वापस आ गया, इसका मतलब टॉप भी 3 पे वापस आ गया, तो स्टैक के पॉप के लिए हम लोग करते थे
रिमूव एट हेड, ठीक लग रहा है? और ये दोनों की दोनों ऑपरेशंस आप ऑर्डर ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कर पाते हैं। तो ये स्टैक यूजिंग लिंक्ड लिस्ट तो आपको याद आ रहा होगा। अब स्टैक तो डेटा स्ट्रक्चर होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो सबसे लास्ट में आया उसी को सबसे पहले निकालना है। क्यूज हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मैकेनिज्म यहां कैसे अप्लाई करेंगे ये सोचते हैं। तो मान लो आपके पास कोई लिंक लिस्ट है, ठीक है, मान लो आपके पास लिंक लिस्ट है, ये है लिंक लिस्ट का हेड, ठीक है, क्योंकि नल 1 2 3। मैं कहता हूं कि अगर आपको लिंक लिस्ट का यूज करके क्यूज को इंप्लीमेंट करना है ना, तो आप कहो कि हमारा जो हेड है वही हमारा फ्रंट है, कि हेड पे जो एलिमेंट है ना वो वही एलिमेंट है जो सबसे पहले आया, ठीक है। तो अगर मुझे प्रोसेस करना है कि यार जो सबसे पहले एलिमेंट आया था उसको प्रोसेस करो या उसको गेट कर लो, रिटर्न कर दोगे। अगर आपको डीक्यू करना है कि यार जो सबसे पहले आया था ना उसको उड़ा दिया जाए, तो आप सबसे पहले हेड नोड को ही हटाओगे। बट अब यहां पे कहानी में ट्विस्ट कैसे आते हैं, यार किसी को अगर डेटा ऐड करना है, एनक्यू करना है, तो कहां से करेंगे? अब यहां पे तुम एनक्यू हेड से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुमने हेड से ही एनक्यू कर दिया, हेड से ही डीक्यू कर दिया, वो स्टैक बन जाएगा, क्योंकि एक एंड को मान लिया आपने ब्लॉक्ड और एक ही एंड पे सारा खेल कर रहे हो। ये है क्यू, यार एक एंड से डेटा रिमूव होगा और बैक वाले एंड से डेटा ऐड होगा। अब ये बैक वाले एंड पे अगर डेटा को एक्सेस कर ऐड करना है, यार मान लो आप मुझे क्यू में एनक्यू करना है 4, तो अब ये जो नोड 4 में बनाऊंगा, क्योंकि लिंक लिस्ट का यूज करके डेटा को सेट कर रहे हैं। अब इस 4 को कहां रखा जाए, इस 4 को 3 के बाद रखा जाएगा, और 4 के एडिशन होने से पहले 3 क्या है, एक टेल नोड है, तो कितना आसान होगा, टेल डॉट नेक्स्ट करके यहां पे नई वैल्यू ले आना, और फिर टेल इज इक्वल्स टू टेल डॉट नेक्स्ट, ये ऑलरेडी नल को पॉइंट कर रही है, राइट। तो अब तुम यहां पे ध्यान से देखो, तो अगर मुझे एनक्यू इंप्लीमेंट करना है, एनक्यू का मतलब क्या है कि डेटा बैक पे ऐड होगा, और मेरी लिंक लिस्ट का बैकवर्ड साइड कौन सा होता है, जो टेल होता है। तो एनक्यू के लिए हम लोग करेंगे ऐड एट टेल, या टेल पे एक एलिमेंट ऐड हो जाए, और डीक्यू के लिए करेंगे रिमूव फ्रॉम हेड, यार हेड रिमूव हो जाए। अब मान लो कोई यहां पे डीक्यू करने के लिए कहता है, डीक्यू करने के लिए कहता है, तो हम लोग हेड को सेट कर देंगे आगे के लिए और इस नोड को हटा देंगे, ठीक है। अब मान लो किसी ने कहा एनक्यू करने के लिए, मान लो 10, तो सबसे पहले नोड बनेगी 10, टेल इज इक्वल टेल डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू द न्यू नोड, और टेल इज इक्वल्स टू टेल डॉट नेक्स्ट। देखो यहाँ पे एक नया एलिमेंट ऐड हो गया। तो एनक्यू करने के लिए ऐड एट टेल, कि आप यार टेल की मदद से ऐड करोगे, और टेल की मदद से ऐड करना तो बहुत ही आसान है ना। टेल की मदद से ऐड कैसे करेंगे, एक नया नोड बनाएंगे जिसको ऐड करना है, ये टेल है जिसका नेक्स्ट अभी नल को पॉइंट करता है। अगर हम इस टेल के नेक्स्ट को इस नोड पे पॉइंट करा दे, तो ये इसी लिंक लिस्ट का पार्ट बन जाएगा। तो मैं लिख दूंगा टेल डॉट नेक्स्ट राइट इज इक्वल्स टू न्यू नोड, तो यहां पे ये आ गया, ठीक है। और फिर अब दोबारा भी तो एडिशन करना पड़ सकता है ना, अगर दोबारा भी तो एनक्यू करना पड़ सकता है, अगर तुम्हें दोबारा एनक्यू करना पड़ेगा, तो तुम्हें पता है कि ये तुम्हारी ये वाली जो नोड है यही तुम्हारी टेल नोड है, तो आगे के ऑपरेशंस के लिए टेल इज इक्वल्स टू टेल डॉट नेक्स्ट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो एनक्यू करना है तो एड एट टेल, डीक्यू करना है तो रिमूव फ्रॉम हेड। देखो कितना आसान है। अब जो तुम्हारी नॉर्मल लिंक लिस्ट की जो भी तुमने इम्प्लीमेंटेशन करी है, उसमें तुम देखोगे मोस्टली जगह हम लोग टेल मेंटेन करके नहीं चलते, क्योंकि टेल मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। और अगर तुम टेल मेंटेन नहीं करोगे, अगर तुम यहाँ पे टेल वेरिएबल मेंटेन नहीं करोगे ना, तो तुम्हें आइट्रेट करके सारे नोड्स पे आना पड़ेगा, राइट। तो यहां पे एक एक्स्ट्रा चीज क्या हो रही है, कि हम लोग एक टेल पॉइंटर मेंटेन करके चल रहे हैं। यही फर्क है आपकी स्टैक वाली इंप्लीमेंटेशन और इस वाली इंप्लीमेंटेशन में। अब अगर आपको चेक करना है कि क्यू एम्प्टी है या नहीं है, तो चेक कर लो हेड इज इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट और नॉट, या बस ये चेक कर लो हेड नल है या नहीं। अगर आपको ये चेक करना है कि लिंक लिस्ट या मैं कहूँ क्यू एम्प्टी है नहीं है, बस ये चेक कर लो हेड नल है या नहीं। अगर हेड नल है तो बात बन गई, तो एम्प्टी है। और अगर आपको ये चेक करना है कि ओवरफ्लो की कंडीशन तो नहीं होगी, इसफुल तो नहीं हो गया, तो आप एक साइज प्रॉपर्टी रखी रहते, जैसे किसी एलिमेंट को डालते हो साइज प्लस प्लस करते हो, जैसे किसी एलिमेंट को रिमूव करते हो साइज माइनस माइनस, राइट, एज सिंपल एज दैट। और अगर आपको चाहिए कि फ्रंट फंक्शन इंप्लीमेंट करना है, तो फ्रंट पे कौन पड़े,
वो एलिमेंट जो सबसे पहले आया था वो कहाँ पड़ा है, वो हेड पे पड़ा है, तो अब हेड का डेटा रिटर्न कर दोगे, राइट। तो इस तरीके से आप लोग लिंक लिस्ट का यूज करके क्यूज को इंप्लीमेंट कर सकते हो, राइट। जहां पे हम लोगों ने एन क्यू फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एड एट टेल लिख दिया है, डी क्यू फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए रिमूव फ्रॉम हेड लिख दिया है, कि यार आप टेल पे ऐड कर पाओगे पर रिमूव करने के लिए आपको हेड से रिमूव करना पड़ेगा। अब फटाफट से एक काम करते हैं, इसकी कोडिंग इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। अब जितने लोगों ने स्टैक वाली कोडिंग इंप्लीमेंटेशन ऑलरेडी देखी हुई है, ये वाली कोडिंग इंप्लीमेंटेशन तो केक वॉक लगने वाली है, राइट। तो इसकी कोडिंग इंप्लीमेंटेशन देखते हैं और देखते हैं कि कैसे एक्चुअली आप लिंक लिस्ट का यूज करके क्यूज इंप्लीमेंट कर सकते हो, और ये थोड़ा स्पेस एफिशिएंट भी है क्योंकि लिंक लिस्ट इंटरनली ऑलरेडी स्पेस एफिशिएंट होती है। जो भी हम लोग एरे वाली अप्रोच देखेंगे ना, उससे थोड़ा ये स्पेस ऑप्टिमाइज स्पेस एफिशिएंट डेफिनेटली, ये पर्टिकुलर वाला सॉल्यूशन डेफिनेटली है, राइट। सो आई बिलीव द ओवरऑल लॉजिक कि आप लिंक लिस्ट का यूज करके क्यूज को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो इज क्लियर टू एवरीवन। तो चलो यार, अब हम लोग अपनी क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट की ना इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक नोड की क्लास बनाऊंगा। तो अपनी बेस टेम्पलेट ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक नोड की क्लास बनाएंगे, पब्लिक प्रॉपर्टीज रखेंगे। क्या प्रॉपर्टीज रखेंगे, एक इंट डेटा रख लेते हैं और एक नोड का पॉइंटर नेक्स्ट रख लेते हैं, जो आपकी बेसिक लिंक लिस्ट की रिक्वायरमेंट भी होती है ना। फिर हम लोग रखेंगे एक क्लास क्यू, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कुछ पब्लिक प्रॉपर्टीज रख देंगे अभी के लिए और कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी रखेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, अब प्राइवेट प्रॉपर्टी में क्या रखेंगे। अब हमारी लिंक लिस्ट मैनेज होने वाली है, लिंक लिस्ट में अगर मुझे कुछ रिमूव करना है तो वो हेड से रिमूव होगा, कुछ भी ऐड करना है तो टेल से ऐड होगा। तो मैं टेक्निकली दो पॉइंटर रखूंगा, एक हेड और एक टेल, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्यू का कंस्ट्रक्टर लिख दूंगा, जहां पे हम लोग करेंगे दिस ऑफ हेड इज इक्वल्स टू नल, और टेल को भी मैं इनिशियलाइज कर दूंगा दिस ऑफ टेल इज इक्वल्स टू नल, ठीक है। तो हेड और टेल नल से इनिशियलाइज हो गए, बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। चलो अब एक फंक्शन लिखते हैं एन क्यू, जो कि क्या लेगा, एक डेटा प्रॉपर्टी लेगा। अब तुम्हें कोई भी डेटा को एंटर करना है, एडिशन तो कहां से होना है, टेल से होना है। बट ये भी हो सकता है ना कि लिंक लिस्ट एम्प्टी हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं, मैं करूंगा कि इफ हेड इज नल, अगर हेड नल है इसका मतलब लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है। लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, क्योंकि लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो एक नया नोड बना दो, वही नोड हेड भी होगा टेल भी होगा, सिंपल सी बात है। तो नया नोड तो बनना ही है, तो एक नोड पॉइंटर न्यू नोड इज इक्वल्स टू न्यू नोड, ठीक है। एक डेटा प्रॉपर्टी लेके एक नया नोड बना दो, और यहाँ पे पता है क्या कर दो, तुम कह दो कि भाई हेड और टेल दोनों के दोनों ना न्यू नोड को पॉइंट करेंगे, ठीक लग रहा है, एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। चलो और देख लेते हैं क्या गलती आ रही। अच्छा, मैंने यहाँ पे नोड का ना कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, तो नोड का कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ। ये क्या लेगा, एक डेटा प्रॉपर्टी लेगा, दिस एरो डेटा इज इक्वल्स टू डेटा, दिस एरो नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल, ठीक है। चलो एल्स, अगर हेड नल नहीं है इसका मतलब लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं थी, अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है इसका मतलब हेड फ्रंट को पॉइंट करेगा, टेल बैक को पॉइंट करेगा, और हमेशा हम लोग करेंगे एड एट टेल। एड एट टेल कैसे करोगे, आप कहोगे कि न्यू नोड तो बना ही लिया है, तो जो टेल का नेक्स्ट है ना वो न्यू नोड को पॉइंट करने लग जाए। एक बार आपने टेल के नेक्स्ट को न्यू नोड से पॉइंट करा दिया, तो वो न्यू नोड ना लिंक लिस्ट में कनेक्ट हो गई है। अब बस आपको 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 अपना टेल इस न्यू नोड पे पॉइंट कराना है, क्योंकि अब ये नया टेल बन गया है। सो टेल इज इक्वल्स टू न्यू नोड, एज सिंपल एज दैट, बस हो गई बात, कोई टेंशन ही नहीं है। देखो कितने आसानी से एनक्यू फंक्शन लिख दिया भाई, दोनों एम्प्टी है, मतलब पूरी पूरी लिंक लिस्ट एम्प्टी है, तो दोनों एक ही नोड को पॉइंट करेंगे। अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो दोनों एक नोड को पॉइंट करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, एडिशन तो टेल से ही होना है। तो टेल के नेक्स्ट में नया नोड अटैच कर दो, और नए नोड और टेल को फिर अपडेट कर दो नए नोड पे, तो टेल मूव कर जाएगा, फिर अगले में टेल दो टेल का नेक्स्ट दोबारा नए नोड पे जाएगा, और टेल फिर मूव कर जाएगा, तो ऐसे टेल आगे मूव करता हुआ जाएगा। मैं काम कर सकता हूँ, एक साइज प्रॉपर्टी रख सकता हूँ इंट साइज, और
हमेशा जब भी आपने कुछ भी एडिशन कर दिया है सक्सेसफुली, मैं साइज प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है, एडिशन होने के बाद साइज प्लस प्लस कर दूंगा। अब एक फंक्शन लिखते हैं, void dq। dq क्या करेगा, आपका जो हेड है ना, रिमूव एट हेड करेगा। अब सबसे पहले ये बताओ, अगर हेड नल है तो कुछ रिमूव एट हेड हो सकता है क्या? लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी तो कुछ रिमूव एट हेड हो ही नहीं सकता। रिटर्न एल्स, अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर रिमूवल होगा। क्या रिमूवल होगा चलो देखते हैं। तो न्यू हेड, न्यू हेड क्या होगा, हेड का नेक्स्ट, और फिर हम क्या कर देंगे, हेड को अपडेट कर देंगे न्यू हेड पे, और ओल्ड हेड भी स्टोर कर लेते हैं। ये जो करंट हेड है ना, यही हमारा ओल्ड हेड भी होगा। एक बारी जब आपने अपने हेड पॉइंटर को न्यू हेड पे डाल दिया, अब ओल्ड हेड का कनेक्शन तोड़ दो। आप ओल्ड हेड का नेक्स्ट कर दो नल, और आप डिलीट कर दो ओल्ड हेड। ठीक है, आपने डिलीट कर दिया ओल्ड हेड। अब ये डिलीशन होने के बाद सिंपल था ना, तुमने क्या करा, जो नया हेड बनने वाला है उसको एक जगह स्टोर कर दिया, जो हेड रिमूव होने वाला है उसको एक जगह स्टोर कर दिया, अपने हेड पॉइंटर को नए वाले हेड पे ले गए, पुराने वाले ओल्ड हेड से कनेक्शन ब्रेक कर दिया, और पुराने वाले ओल्ड हेड को मैनुअली डिलीट कर दिया। सी प्लस प्लस में गार्बेज करेक्टर नहीं होता तो मैनुअली डिलीट करना पड़ता है। अच्छा, ये चीजें अगर कर दी हैं, अब ऐसा भी तो कैसे हो सकता है ना कि एक सिंगल ही नोड बचा था उसी को आपने डिलीट कर डाला, तो अभी तो टेल भी उसी को पॉइंट कर रहा है ना। तो इसका मतलब यहां पे आके अपन क्या करेंगे, हम कहेंगे कि इफ हेड इज नल, यार हेड को अपडेट करने के बाद अगर हेड नल हो गया है तो टेल को भी नल कर दो। ठीक है, क्योंकि अगर हेड नल हो गया मतलब वो नोड जा चुका है, आखिरी नोड था वो जा चुका है, उसी आखिरी नोड पे हेड और टेल दोनों पॉइंट कर रहे थे, तो अगर हेड नल को पॉइंट करने लग गया इसका मतलब उस नोड को रिमूव करना है, तो टेल का पॉइंट करना तो कुछ नहीं बनता, टेल भी नल को पॉइंट करने लग जाएगा। उसके बाद हम लोग ओल्ड हेड का कनेक्शन तोड़ देंगे जो कि ऑलरेडी टूट ही गया है, और फिर उसको डिलीट कर देंगे। दैट्स इट। देखो बहुत ही आसानी से हमने डी क्यू भी लिख दिया। साइज लिख देते हैं, गेट साइज ऐसा कुछ, रिटर्न दिस एरो साइज। एक चीज, जब आप डिलीट कर दोगे तो साइज माइनस माइनस। ठीक है, एक फंक्शन लिखते हैं, बूल इज एम्प्टी, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न दिस एरो हेड डबल इक्वल टू नल। ठीक है, अगर हेड नल के बराबर है तो एम्प्टी। अब यहां पे तुम इस फुल भी लिख सकते हो, तो तुम एक कैपेसिटी दे सकते हो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में, यार एक डिफॉल्ट कैपेसिटी होगी कि इतनी कैपेसिटी ज्यादा की क्यों हमें नहीं मेंटेन करनी है, बट अभी के लिए मैं वो नहीं दे रहा हूँ क्योंकि लिंक लिस्ट है तो कैपेसिटी की भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, तो हम लोग बना सकते हैं। चिल है, यहाँ पे आके मैं एक क्यू बनाऊंगा, मैं लिखूंगा क्यू डॉट एन क्यू 10 20 30, फिर करेंगे क्यू डॉट डी क्यू, फिर क्यू डॉट एन क्यू 40, फिर क्यू को प्रिंट करेंगे। क्यू को प्रिंट कैसे करेंगे, हम लोग कहेंगे वाइल नॉट क्यू डॉट इज एम्प्टी, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक क्या करेंगे, सी आउट, एक फंक्शन और लिखना चाहिए, गेट फ्रंट या फ्रंट, हेड का जो भी डेटा होगा उसको रिटर्न कर देंगे, अनटिल अनलेस इफ हेड इज नल तो माइनस वन दे देते हैं अभी के लिए। ठीक है, या इंट मिन भी दे सकते हो, तो आप करो क्यू डॉट फ्रंट और फिर क्यू डॉट डी क्यू। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, पहला एलिमेंट जो भी पड़ा है उसको प्रिंट करके उसको रिमूव कर देते हो, फिर अगले एलिमेंट को प्रिंट करके रिमूव कर देते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले 10 ऐड हुआ तो क्यू कैसी दिख रही होगी, पहले 10 ऐड हुआ, फिर 20 ऐड हुआ, फिर 30 ऐड हुआ, फिर डी क्यू करा तो 10 रिमूव हो गया, फिर 40 ऐड हुआ, तो टेक्निकली 20 30 40 प्रिंट होना चाहिए। रन करते हैं, देखो 20 30 40 प्रिंट हो रहा है। तो बहुत ही आसानी से हम लोगों ने लिंक लिस्ट का यूज करके क्यूज इंप्लीमेंट कर दिया। और अगर तुम बहुत ही ध्यान से देखोगे यहाँ पे, देखो सारे के सारे कॉन्स्टेंट टाइम ऑपरेशन है,
यहाँ पे भी सारे के सारे कांस्टेंट टाइम ऑपरेशंस है। तो ऑर्डर ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ना सिर्फ तुमने एन क्यू फंक्शन लिख दिया है बल्कि तुमने डी क्यू फंक्शन भी लिख दिया है, और बहुत ही आसानी से हम लोगों ने इंप्लीमेंट कर दी है क्यू यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। तो जिस तरीके से आपने स्टैक यूजिंग लिंक्ड लिस्ट इंप्लीमेंट करी थी, उसी तरीके से आप क्यू यूजिंग लिंक्ड लिस्ट भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब हमने लिंक्ड लिस्ट का यूज करके तो क्यू इंप्लीमेंट कर लिया, अब बात करते हैं एरे का यूज करके क्यू कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखो एरे का यूज करके क्यू इंप्लीमेंट करना आसान होगा। आप एक क्या करो, डायनेमिक एरे लो, मतलब आप वेक्टर ले लो, अपना वेक्टर ले लो, ठीक है, और कुछ डिफॉल्ट साइज का वेक्टर बनाना चाहते हो तो बना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप एक फ्रंट वेरिएबल मैनेज करो और एक बैक वेरिएबल मैनेज करो। अभी क्यू में कुछ भी नहीं है तो फ्रंट और बैक ना दोनों माइनस वन पे पॉइंट कर रहे हैं। अब आपने करा एन क्यू, टेन एन क्यू करा, तो एन क्यू हमेशा कहां से होता है, बैक से एन क्यू होता है। तो आप हमेशा क्या करोगे, बैक प्लस प्लस, आप नए इंडेक्स पे जाओगे और फिर वहां पे एलिमेंट को ऐड कर दोगे। तो इसके लिए बैक प्लस करने से बेटर है आपका जो भी वेक्टर है वी, आप उसमें कर दो वी डॉट पुश बैक और नया एलिमेंट पुश बैक कर दो, ठीक है। तो मान लो 10 था, आपने 10 पुश बैक कर दिया, जैसे आपने पुश बैक किया आप कर दोगे बैक प्लस प्लस, ऐसे कर सकते हो, ठीक है, बैक प्लस प्लस कर सकते हो, चलो ओके। फिर उसके बाद क्योंकि ये पहला एलिमेंट था तो पहला एलिमेंट जब ऐड हुआ है तब तो फ्रंट और बैक दोनों एक ही को पॉइंट करेंगे। फिर उसके बाद आपने एक और एलिमेंट एन क्यू करा 20, तो अगेन 20 को पुश बैक कर दो और बैक प्लस प्लस। फिर एक और एलिमेंट एन क्यू करा 30, तो 30 को पुश बैक कर दो बैक प्लस प्लस, ठीक है। अब मान लो आपने डी क्यू करा, अब डी क्यू कहां से होना है, फ्रंट से होना है ना। अब एरे में अगर आप इसको रिमूव करने चलोगे ना तो ऑर्डर ऑफ एन कम्प्लेक्सिटी लग जाएगी जीरोथ इंडेक्स के एलिमेंट को रिमूव करने में। बट आप एक काम करो, जीरोथ इंडेक्स के एलिमेंट है तो रिमूव भी मत करो, अब बस ना फ्रंट प्लस प्लस कर दो, क्योंकि हमें पता है फ्रंट से लेकर बैक तक की रेंज में जो भी एलिमेंट्स है वही एलिमेंट क्यू में, बाकी सब ये सब गार्बेज है। फिर कुछ एलिमेंट्स आए, 40 आया, 40 को पुश करना है, 40 को पुश बैक किया और बैक प्लस प्लस, 50 को पुश बैक किया बैक प्लस प्लस, ठीक है, 60 70 80 90 ऐसे करते करते बैक प्लस प्लस ऐसे करते हाँ आ गई, ठीक है। फिर 100 किया तो 100 में एक और एलिमेंट ऐड हो जाएगा बैक प्लस प्लस। अब यहाँ से डी क्यू किया तो आपको डी क्यू करने में कोई एलिमेंट उड़ाना नहीं है, फ्रंट प्लस प्लस कर दो, फिर एक और डी क्यू, फ्रंट प्लस प्लस, फ्रंट प्लस प्लस। तो अब यहाँ पे फ्रंट से लेकर बैक तक के रेंज में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे आपके क्यू का पार्ट है। इसमें बस प्रॉब्लम ये है कि कुछ कुछ स्पेस तुम देख रहे हो ये वेस्ट करते जा रहे हो, लिंक्ड लिस्ट में ऐसी स्पेस की वेस्टेज एग्जिस्ट नहीं करती थी, यहाँ पे स्पेस की वेस्टेज एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अब टेक्निकली तो क्योंकि वेक्टर यूज कर रहे हैं ना, तो ये बैक पॉइंटर भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास वी डॉट बैक करके एक ऑलरेडी एक फंक्शन होता है, वी डॉट बैक करके एक ऑलरेडी फंक्शन होता है, उसका यूज करके हमें एक आइटरेटर मिल जाएगा, वो हमें बैक एलिमेंट बैक लास्ट एलिमेंट का एक्सेस दे देता है। फ्रंट को मेंटेन कर लेते हैं, फ्रंट को मेंटेन करना जरूरी है, ठीक है। और अगर तुम्हें सिंपलिसिटी चाहिए तो तुम बैक भी मेंटेन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं इंप्लीमेंटेशन में बैक इंप्लीमेंट करूंगा क्योंकि थोड़ा सिंपल रहेगा उससे, ठीक है। चलो देखते हैं इस वाली इंप्लीमेंटेशन को भी देखते हैं, बहुत आसान है, कुछ ज्यादा फाइट ही नहीं लगेगी। एक वेक्टर ले लेते हैं, क्यू ले लिया, ठीक है, तो एक वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंट वी, ये हमारा प्राइवेट वेरिएबल होगा। फिर कुछ पब्लिक पैरामीटर जैसे क्यू का कंस्ट्रक्टर, अब क्यू के कंस्ट्रक्टर में कुछ देने की जरूरत नहीं है, हम लोग बस दो वेरिएबल्स हैं जो फ्रंट और बैक है उसको इनिशियलाइज कर लेंगे। int front is equals to int back is equals to minus one, ठीक है, ऐसे एक एक करके कर लेते हैं और यहाँ पे माइनस वन करने की जरूरत नहीं है, कंस्ट्रक्टर में करेंगे। ठीक है, इसको एक लाइन में भी कर सकते थे, बहुत कोई दिक्कत नहीं है। एक फंक्शन लिखेंगे इन क्यू, डेटा प्रॉपर्टी आ रही है,
आप कुछ नहीं करना, आप बस कर दो v डॉट पुश बैक डेटा और बैक प्लस प्लस, ठीक है। फिर आपको करना है dq, dq में तो और कोई फाइट नहीं है, आप कर दो दिस डॉट और दिस एरो फ्रंट प्लस प्लस। इसमें बस ये चेक लगाना है इफ फ्रंट इज इक्वल्स टू दिस एरो बैक, मतलब आपके पास अब सिंगल एलिमेंट ही बचा है क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लेट्स सी, हम लोग करेंगे दिस एरो फ्रंट इज इक्वल्स टू माइनस वन, दिस एरो बैक इज इक्वल्स टू माइनस, दोनों को रीसेट कर देंगे माइनस वन पे, ठीक है। अच्छा, और हाँ कूल है, दोनों को रीसेट कर देंगे माइनस वन पे, अदरवाइज हमेशा दिस एरो फ्रंट प्लस प्लस, क्योंकि जब भी तुम अगर कभी भी बैक के बराबर थे और तुमने अगर फ्रंट प्लस प्लस कर दिया तो तुम बैक को एक्सीड कर जाओगे ना, फ्रंट हमेशा लेस देन और इक्वल टू बैक रहेगा। और इसको भी हम लोग एल्स में डाल करते हैं, ठीक है। फिर लिखेंगे फ्रंट तो रिटर्न बी ऑफ जीरो, ये मेरे को v ऑफ फ्रंट, ठीक है। और यहाँ पे इफ फ्रंट इज इक्वल्स टू माइनस वन रिटर्न माइनस वन, इन बूल इज एम्प्टी, ये तो हम लोग वेक्टर से चेक कर सकते हैं, रिटर्न दिस आर ओ वी होगा, ठीक है। रिटर्न दिस एरो फ्रंट इज इक्वल्स टू माइनस वन, राइट, अगर फ्रंट माइनस वन पे है तो एम्प्टी है, ठीक है, दैट्स इट। चलो इम्प्लीमेंट करते हैं, मैं सेम टू सेम डेटा ले आता हूँ यहाँ से जो मैं लिंक लिस्ट के लिए लाया था, क्योंकि इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन से इस पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तुम्हारे पास एक क्यू डॉट फ्रंट भी है, देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, यहाँ पे ना फ्रंट एक वेरिएबल भी है तो इसको गेट फ्रंट कर दो, फ्रंट एक वेरिएबल भी है तो वो ना उसके साथ क्लैश कर रहा है, ठीक है। चलो रन करते हैं, सेम आउटपुट आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ना 10 20 30 40 आ रहा है, देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम। आपने एन क्यू किया 10 फिर 20 फिर 30, फिर जब आपने डी क्यू करा तो डी क्यू होना चाहिए था टेक्निकली फ्रंट प्लस प्लस, जब आपने करा क्यू डॉट इज एम्प्टी तो भाई एम टी तो नहीं है तो आप फ्रंट ले आओ, ठीक है। फ्रंट ने रिटर्न किया 10, देखो यहां प्रॉब्लम हो रही है कहीं, ठीक है, देख लेते हैं। डी क्यू करने के बाद अगर फ्रंट और बैक बराबर थे तो दोनों माइनस वन हो जाएंगे, वरना सिर्फ फ्रंट प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ओके, फ्रंट प्लस प्लस हो जाएगा। अब यहां पे फिर हमने एन क्यू किया, एन क्यू करते टाइम देख लेते हैं, हम लोग हमेशा बैक को ही प्लस प्लस करते हैं तो ये भी ठीक लग रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी, मैं जब अगर फ्रंट को प्लस प्लस करूंगा ना तो मैं यहाँ पे एक बार सी आउट कर लेता हूँ, ठीक है, रन करते हैं। तो हमने कितनी बार डी क्यू किया है, एक बार ही डी क्यू किया है, ठीक है। तो जब एक बार ही डी क्यू किया है तो दिस एरो फ्रंट, अच्छा मैं समझ गया हूँ, यहाँ पे एक कॉर्नर केस रह गया हमारा, यार जब पहला एलिमेंट ऐड होगा, जब पहला एलिमेंट ऐड होगा ना तो बैक भी प्लस प्लस होगा और फ्रंट भी प्लस प्लस होगा, तो हाँ, तो ऐसा कर लो, अगर बैक जीरो इंडेक्स पे आया है पहली बार तो फ्रंट को भी जीरो इंडेक्स पे डाल दो, ठीक है, सिंपल एज दैट। मतलब कुछ कुछ कॉर्नर केसेस हैं तो हम अपने बहुत सारे डिफरेंट तरीके से भी इसको हैंडल कर सकते हो। चलो सेमी कॉलन लगा देते हैं, ठीक है, 20 30 40 सही आ रहे हैं, ठीक है ना, सही लग रहा है, रन करते हैं, एक दो और डी क्यू मारते हैं, सिर्फ 40 प्रिंट होना चाहिए,
सिर्फ 40 प्रिंट हो रहा है, एक डी की और लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद एक एन की और लगाते हैं 400 का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है ना, प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब सारे एलिमेंट जब हट गए थे, जब लास्ट में सब डी की हो गया था, तो फ्रंट और बैक दोनों को हमने माइनस वन पर डाल दिया, ठीक है, और आगे बढ़ गए। अब जब यहाँ पे एन क्यू हुआ, तो अब यहाँ पे वी में पुश बैक करा गया है। अब देखो ये जो वी का पुश बैक है ना, ये प्रॉब्लमेटिक है, ये वी का पुश बैक तो लास्ट में ही लेके जा रहा है ना, वी का पुश बैक हमेशा लास्ट में ही लेके जा रहा है, तो ऐसा हमें नहीं करना है। इसको कर लो, जब आपने यहाँ पे रीसेट कर दिया ना, तो अब वी को भी क्लियर कर दो, कि अब यार क्योंकि अब माइनस वन से स्टार्ट होगा, तो वेक्टर को भी हम लोग क्लियर कर लें तो बेटर है। चलो अब देखते हैं, देखो अब से यार है 400, वे एक एलिमेंट और डालते हैं, फिर उसके बाद सब सेट हो जाएगा, 500 डाल देते हैं, चलो देखो सही लग रहा है। तो क्या किया है, जब एकदम एब्सोल्युटली डी क्यू कर दिए सारे एलिमेंट, तो वेक्टर को भी क्लियर कर लो, वो बेटर है, क्योंकि तब दोबारा एक तरह से तुमने अपनी प्रोग्रेस रीसेट कर लिया। तो तुम देख पा रहे हो कितने आसान तरीके से हम लोगों ने एरे का यूज करके भी क्यूज को इम्प्लीमेंट कर लिया। अब मान लो कभी एक्चुअल टेस्ट केस आया, या फिर एक्चुअल कोडिंग क्वेश्चन आपके पास आता है, तो आपको ना इतना लिख के क्यूज इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। सी प्लस प्लस में एक इंटरनल क्यू एग्जिस्ट करती है, उस इंटरनल क्यू की यूज करने के लिए आप कर सकते हो हैश इंक्लूड क्यू, और यहाँ पे जैसे हम लोग स्टैक बनाते थे ना, वैसे ही हम लोग क्यू बना लेंगे क्यू ऑफ इंट करके। तो इससे क्या टाइप पता लग जाएगा, किस टाइप की क्यू है। अब यहाँ पे क्यू में पुश एग्जिस्ट करता है, एन क्यू नहीं लिखते, सी प्लस प्लस में एन क्यू नहीं बोलते हैं, जो इंटरनल सी प्लस प्लस की क्यू है ना, वो पुश ही बोलती है। तो पुश का मतलब यहाँ पे एन क्यू ही है। तो मान लो 10 पुश किया, 20, फिर 30, फिर 40, फिर हमने कर दिया क्यू डॉट पॉप। तो कर देते हैं वाइल नॉट क्यू डॉट एम्प्टी, अब यहाँ पे क्यू डॉट फ्रंट एग्जिस्ट करता है, वैसे ही फंक्शन है जैसा हमने लिखा था, और क्यू डॉट, अब यहाँ पे डी क्यू करना है ना, डी क्यू की जगह पॉप होता है, देखो एन क्यू की जगह पुश होगा, मैं इसको नई नई लाइन्स में डाल देता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर लगे तुम्हें। एन क्यू की जगह पुश एग्जिस्ट करता है, डी क्यू की जगह पॉप एग्जिस्ट करता है, देखो ये एक तरह से तुम एन क्यू कर रहे हो, और यहाँ पे एक तरीके से डी क्यू कर रहे हो। ये चीज़ एक ध्यान देने वाली बात होती है, अगर इसको रन करोगे, देखो 20, 30, 40 आ रहा है, सही लग रहा है। तो अगर तुम्हें कोडिंग कॉन्टेस्ट में क्यू यूज करनी है, तो तुम क्यू इस तरीके से यूज कर सकते हो, बहुत आसान है इसको क्यू को यूज करना। तुम्हें ऐसे लिंक लिस्ट का यूज करके इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, या एरे का यूज करके इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कभी कभी कोडिंग इंटरव्यू में पूछ लेते कि अगर खुद की क्यू बनानी होती तो कैसे बनाते, क्या अप्रोचेस एग्जिस्ट करती है, और थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सपेक्टिव से भी तुम्हें थोड़ा सा कंक्रीट नॉलेज लगती है कि लिंक लिस्ट कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है। बट कभी भी कोडिंग टेस्ट में अगर तुम्हें क्यू इंप्लीमेंट करनी हो, या किसी भी कॉम्पिटेटिव कोडिंग में क्यू इंप्लीमेंट करनी हो, हमेशा आप इंटरनल क्यू यूज करोगे, और ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं पढ़नी चाहिए आपको। इंटरनल क्यू में जो एन क्यू फंक्शन होता है, उसे हम पुश ही कहते हैं, और जो डी क्यू फंक्शन होता है, उसको हम पॉप कहते हैं। सेम टू सेम रेफरेंस है जो नॉर्मल स्टैक के केस में एग्जिस्ट करता था। अगर क्यू एम्प्टी है या नहीं है ये चेक करना है, तो क्यू डॉट एम्प्टी, क्यू का फ्रंट निकालना है तो क्यू डॉट फ्रंट। तो बहुत आसानी से आप लोग एसटीएल वाली क्यू भी यूज कर सकते हो, कुछ ज्यादा फाइट की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो चलो यार, अब हम लोग बात करते हैं कि जो आपकी एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन थी और जो लिंक लिस्ट बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन थी, दोनों का फायदा क्या है। देखो फायदा यही है, जो लिंक लिस्ट बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन है वो थोड़ी स्पेस एफिशिएंट है, राइट। एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन उतनी स्पेस एफिशिएंट नहीं, क्योंकि तुम देखोगे कई टाइम तक एरे का एक बहुत बड़ा पार्ट नॉर्मली एग्जिस्ट कर रहा होता है, जिसके लिए तुमने एक्चुअल में कुछ नहीं किया, राइट। उसके बाद अगर देखा जाए तो लिंक लिस्ट वाली जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसमें थोड़ा पॉइंटर मैनिपुलेशन का स्टफ आ जाता है, राइट। और तुम्हें डेटा का डिलीशन खुद से मैनेज करना पड़ रहा है, क्योंकि वो तुम हीप मेमोरी में एलोकेट कर रहे हो। यहाँ पे एरे वाली इम्प्लीमेंटेशन का इसका एक फायदा हो जाता है कि एरे में से अगर पॉप बैक करा, तो एरे हर चीज़ खुद से चीज़ें मैनेज कर लेती है, राइट। जब हम लोग एरे को क्लियर कर रहे हैं, तो मोस्टली चीज़ें खुद से मैनेज हो जा रही है, राइट। अदरवाइज दोनों अप्रोचेस काफ़ी एफिशिएंट है, बट आई वुड से कि मुझे ऐसा लगता है लिंक लिस्ट वाली अप्रोच थोड़ी सी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा स्पेस एफिशिएंट है। हाँ, तुम एक्स्ट्रा पॉइंटर्स वगैरह लेके चल रहे हो, बट जो ओवरऑल स्पेस मैनेजमेंट है, जिस टाइम पे जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही नोड है, इस वाला एक ये वाला एक फैक्टर आ जाता है। तो इसके चलते मैं ये जरूर कहूँगा कि स्पेस एफिशिएंट
जरूर रहेगा तुम्हारा नॉर्मल लिंक लिस्ट वाला इम्प्लीमेंटेशन। बट अगेन तुम्हें ये बात पता है कि अगर कभी भी तुम्हें कोडिंग टेस्ट आता है तो कोडिंग टेस्ट में जो क्यू है वो तुम एसटीएल वाली यूज कर सकते हो, तुम्हारा काम बन जाएगा, राइट। चलो अब ट्राई करते हैं कि जैसे जैसे हम लोगों ने जो भी क्यूज के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम मतलब जो भी बेसिक इम्प्लीमेंटेशन करी है, इस बेसिक इम्प्लीमेंटेशन के बेसिस पे एक सवाल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोग ना क्यू का थोड़ा सा लॉजिक दिमाग में बिठा पाए, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। रिवर्स द एलिमेंट्स ऑफ अ क्यू, आपको एक क्यू गिवन है, ठीक है, ज्यादा फाइट नहीं करनी है, क्यू ऑलरेडी गिवन है। ये मान लो क्यू का फ्रंट है, ये क्यू का बैक है, आपको ये एलिमेंट्स क्या करने हैं, रिवर्स करके लाने हैं, ठीक है। रिवर्स करने का मतलब फाइनली जो ये एलिमेंट्स हैं वो इस फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। अब अगर आपको याद हो तो स्टैक में भी हमने एक सिमिलर क्वेश्चन करा था जहां पे हम स्टैक के एलिमेंट्स को रिवर्स करते थे। अगर यही एलिमेंट स्टैक में गिवन होते ना 1, 2, 3, 4, 5 और उसको रिवर्स करना होता तो आप एक और स्टैक लेते, यहां से एलिमेंट्स को यहां डालते, राइट, और नई वाली स्टैक में सारे एलिमेंट्स रिवर्स हो जाते। कभी कभी ये भी केस आता था कि ओरिजिनल स्टैक में ही वापस एलिमेंट आने चाहिए, तो अगर तुम यहीं से वापस डाल दोगे तो वो दोबारा सेम ऑर्डर में आ जाएगा जो ओरिजिनल ऑर्डर था। तो तुम एक और स्टैक लेके चलते थे, फिर यहां से एलिमेंट्स को इसमें डाल देते थे, तो देखो अब ये ओरिजिनल ऑर्डर में आ गया, यही ओरिजिनल ऑर्डर था। अब इस ओरिजिनल ऑर्डर से ट्रांसफर वाला मैकेनिज्म अप्लाई करोगे और ये सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। अब क्यूज के केस में ऐसा नहीं है। अगर तुम क्यूज के केस में देखो, मैं दो क्यू बना देता हूं, 1, 2, 3, 4, 5। अगर तुम एक क्यू से एलिमेंट निकाल के दूसरी क्यू में ले जा रहे हो, यहां से एलिमेंट निकाल के दूसरी क्यू में लेके जा रहे हो अनदर क्यू, तुम देखोगे कि ऑर्डरिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो एलिमेंट पहली वाली क्यू में लास्ट में पड़ा था वो अगली वाली क्यू में भी लास्ट में पड़ा है, क्योंकि वो लास्ट में ऐड हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि दूसरी क्यू ले ली तो रिवर्स हो जाएगा। बट मुझे पता है कि किसी भी ऑर्डर के एलिमेंट्स हो उसको स्टैक में डाल देते हैं तो रिवर्स हो जाता है। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं, दो क्यू लेने की जगह एक क्यू और एक स्टैक ना ले लूं, और मैं क्या कहूंगा, आप क्यू के एलिमेंट को निकालो स्टैक में डाल दो, क्यू के एलिमेंट को निकालो स्टैक में डाल दो, क्यू के एलिमेंट को निकालो स्टैक में डाल दो, क्यू के एलिमेंट को निकालो स्टैक में डाल दो, क्यू के एलिमेंट को निकालो स्टैक में डाल दो। जैसे आपने क्यू के एलिमेंट को स्टैक में डाला, स्टैक के टॉप पे लास्ट एलिमेंट आ गया है, ये आपके स्टैक का टॉप है, यही आपका क्या था लास्ट एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5 में, 5 ही हमारा लास्ट एलिमेंट है। अब क्यू से, अब स्टैक से दोबारा क्यू में ट्रांसफर शुरू करो, 5, 4, 3, 2, 1। अब तुम देख सकते हो जो टॉप मोस्ट पे पड़ा था वही एलिमेंट फ्रंट पे आ गया, राइट, जो टॉप पे पड़ा था वही एलिमेंट फ्रंट पे आया। तो एक्चुअली आपको अगर क्यू रिवर्स करनी है तो आप क्या कर सकते हो, आप एक स्टैक ले सकते हो, क्यू का सारा डेटा स्टैक में डाल दो और फिर स्टैक का सारा डेटा क्यू में ले आओ, आपकी पूरी की पूरी क्यू रिवर्स हो जाएगी। तो चलो इस क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, बहुत ही सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है, ज्यादा कुछ फाइट ही नहीं है। ठीक है, हम लोग करेंगे हैश इंक्लूड स्टैक क्यू, राइट। तो सबसे पहले आपके पास एक गिवन क्यू है, इनपुट गिवन एंड क्यू में कुछ कुछ डेटा डाल लेते हैं, पुश पब्लिश्ड 20, 30, 40। नाउ हमें क्या करना है कि इसी डेटा को रिवर्स करना है, 10 अभी फ्रंट पे पड़ा था, रिवर्स होने के बाद 10 बैक पे आ जाना चाहिए, ठीक है। रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, एक स्टैक बनाएंगे, स्टैक में क्यू का सारा डेटा डाल देंगे, ठीक है। हम करेंगे स्टैक डॉट पुश क्यू डॉट फ्रंट और फिर क्यू डॉट पॉप, क्यू से एलिमेंट सारे के सारे निकाल के, क्यू भी नहीं है ये इनपुट है, इनपुट से एलिमेंट सारे के सारे निकाल के स्टैक में डाल देंगे और फिर स्टैक से एलिमेंट वापस क्यू में डाल देंगे, दैट्स इट। अब अगर मुझे अपनी क्यू प्रिंट करनी है तो व्हाइल नॉट क्यू डॉट एम्प्टी,
राइट सॉरी ये भी इनपुट होगा, मेरे को एक्चुअली क्यू लिखने की आदत है। ठीक है तो जब तक एम्प्टी जो क्यू हमारी गिवन एम्प्टी है वो दोबारा से मतलब जो गिवन क्यू है वो दोबारा एम्प्टी नहीं हो जाती, आप करोगे इनपुट डॉट प्रिंट इनपुट डॉट पॉप, दैट्स इट। देखो 10 अभी सबसे फ्रंट पे है ना, रिवर्स होने के बाद 10 लास्ट पे चला जाना चाहिए। देखो 10 लास्ट पे आ गया, जो 40 सबसे लास्ट पे था वो 40 फ्रंट पे आ गया, और बहुत ही आसानी से कर पाए क्योंकि आपने क्यू का सारा डेटा उठा के स्टैक में डाल दिया, फिर स्टैक का सारा डेटा उठा के क्यू में डाल दिया, और वो क्यू पूरी की पूरी प्रिंट कर दी। और ये इंट्यूशन कैसे आया? इंट्यूशन उसी स्टैक वाली प्रॉब्लम से आया। स्टैक का डेटा उठा के दूसरे स्टैक में डालते हैं तो वो रिवर्स हो जाता है। इसका मतलब किसी भी डेटा स्ट्रक्चर का डेटा अगर आप स्टैक में डाल दोगे रिवर्स हो जाएगा, तो क्यू का डेटा भी स्टैक में डाल दो रिवर्स हो जाएगा, और स्टैक से वो डेटा सीधा क्यू में डाल दो, क्योंकि दूसरे डेटा स्ट्रक्चर का जो भी ऑर्डर है क्यू एज इट इज वो सेम ऑर्डर मेंटेन करता है, क्यू में ऑर्डर रिवर्स नहीं होता। तो अगर स्टैक का जो टॉप है वो क्यू के फ्रंट पे आएगा तो वहां से सीधा एलिमेंट्स तुम यहाँ पर डाल सकते हो। तो आई होप कि ये इस सिंपल प्रॉब्लम से क्यू का लॉजिक और क्यू की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके रिगार्डिंग आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा बूस्ट अप हुआ होगा कि एक्चुअली कैसे बेसिक क्यूज के साथ आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हो। तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। इस लेक्चर में हम लोगों ने क्यूज के बेसिक देखे कि एक्चुअली क्यूज चलती कैसे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ, किस तरह की प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करती हैं, किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, बाकी डेटा स्ट्रक्चर से क्या कंपैरिजन है। साथ ही साथ ये भी देखा कि क्यू को खुद से कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो एरे और लिंक लिस्ट का यूज करके, और इंटरनल क्यू को कैसे यूज कर सकते हो, और एक बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम जिसमें क्यू और स्टैक दोनों के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे थे वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। सो आई होप आज का लेक्चर सब लोगों को पसंद आया होगा। अभी हमारे पास क्यू का एक और लेक्चर आएगा राइट, जिसमें हम लोग एक्चुअली बात करने वाले हैं कि और कौन कौन से सिचुएशंस हैं जहां पे क्यू इंप्लीमेंट हो सकती है। हम लोग डेक के ऊपर बात करेंगे, डेक के एसटीएल के ऊपर बात करेंगे, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। सो स्टे ट्यून टिल द लास्ट। दैट बीइंग सेड, इस लेक्चर को यहीं पर रैप अप करते हैं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ लेक्चर्स में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय, हैव अ लवली वीकेंड अहेड, एंड दिस इज संकेत सिंह साइनिंग ऑफ।